तो क्या दो नई MCU मूवीज कैंसिल होने वाली हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर ट्यूबर और आज हम बात करेंगे मार्वल मूवीज की कैंसिलेशन न्यूज के बारे में। एक नए रूमर के अकॉर्डिंग दो अपकमिंग MCU मूवीज कैंसिल होने वाली हैं। जब रीसेंट टाइम में MCU की बात आती है तो वास्तव में कभी भी एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ है जिसे पूरी तरह से अनाउंस करने के बाद कैंसिल कर दिया हो। केवल दो ही ऐसे प्रोजेक्ट हुए थे जो कैंसिल होने की कगार पर पहुंचे थे, एक कैप्टन अमेरिका एंड द सर्पेंट सोसाइटी और दूसरी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। हाँ, दोनों प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया था और उन फिल्मों को बताने वाली स्टोरी लाइंस को भी हटा दिया गया था। फिर भी उन्हें एक ही फ्रेंचाइजी की डिफरेंट फिल्म से बदल दिया गया, जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और अवेंजर्स डूम्सडे। भले ही इनिशियल टाइटल्स कैंसिल कर दिए गए थे, फिर भी हमें एक तीसरी कैप्टन अमेरिका फिल्म देखने को मिली और अब पांचवी अवेंजर्स फिल्म भी देखने को मिलेगी। MCU में पिछले कुछ सालों में माइनर नेम चेंजेस या स्टोरी लाइन को चेंज किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ऑफिशियली मार्वल द्वारा पूरी तरह से कैंसिल करने की अनाउंसमेंट की गई हो। लेकिन दो MCU प्रोजेक्ट्स अभी भी कैंसिल हो सकते हैं। कूपर के डेनियल रिचर्डमैन के अकॉर्डिंग मार्वल अगले कुछ महीनों में आर्मर वॉर्स या ब्लेड या दोनों को कैंसिल करने के बारे में डिसाइड कर रहा है। ये सब अभी अनऑफिशियल है और मार्वल के किसी मेन आदमी ने इस बारे में नहीं बोला है, इसलिए इस रूमर में कितनी सच्चाई है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दी है कि आने वाले महीनों में आर्मर वॉर्स और ब्लेड के फेट पर एक फाइनल डिसीजन एक्सपेक्टेड है। मार्वल के पास कम से कम 5 लाइव एक्शन सीरीज डेवलपमेंट में है। मैं आने वाले टाइम में आर्मर वॉर्स और ब्लेड मूवीज पर एक फाइनल डिसीजन भी आता हुआ देख रहा हूँ। दोनों प्रोजेक्ट्स को हाल ही में MCU की टाइमलाइंस में सेट किया गया है, जैसे कि एटर्नल्स मूवी में ब्लेड की आवाज का सुनाई देना और सीक्रेट इन्वेजन में रोडी को स्क्रल दिखाना। लेकिन इन नैरेटिव्स को किसी भी मेन मूवी के अंदर आसानी से एक सब प्लॉट के रूप में दिखाया जा सकता है। अगर ये न्यूज कुछ महीने पहले भी आई होती तो ब्लेड के कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा लगते, क्योंकि कई सालों से फिल्म ने अपने डेवलपमेंट में स्ट्रगल किया है और इसे कई बार पोस्टपोन भी किया गया है। लेकिन पिछले कुछ वीक्स में ये बदल गया है। डेडपुल और वुल्वरीन मूवी में ब्लेड मूवी के प्रोडक्शन चैलेंजेस और डिलेज के बारे में एक जोक भी देखने को मिला है। हालांकि उस जोक से इसे मूवी के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन बस इस वीक मार्वल स्टूडियोज के स्ट्रीमिंग के हेड ब्रैड विंडरबम ने अपकमिंग शो अगाथा ऑल अलोंग के हॉरर एलिमेंट्स को ब्लेड मूवी के हॉरर एलिमेंट्स से बिल्कुल अलग बताया है। इससे पता चलता है कि ब्लेड मूवी अभी भी बन रही है। पर वहीं दूसरी ओर आर्मर वॉर्स को लेकर सीक्रेट इन्वेजन के बाद से कोई अपडेट्स नहीं आई है, जब डायरेक्टर अली सलीम ने कंफर्म किया था कि शो ने आर्मर वॉर्स मूवी का सेटअप किया है। हालांकि आर्मर वॉर्स पहले एक डिज्नी प्लस सीरीज होने वाली थी, जिसे बाद में चेंज करके मूवी कर दिया गया था। अब टीवी सीरीज से मूवी बनी आर्मर वॉर्स को सभी ऑफिशियल MCU मूवीज की रिलीज टाइमलाइन पर लगातार इग्नोर किया जाता है, इसलिए पॉसिबल है कि आर्मर वॉर्स मूवी कैंसिल होने वाली न्यूज आगे जाकर सच हो सकती है। अब इन दोनों मूवी में से कोई सी भी मूवी कैंसिल हो, इससे MCU फैंस के दिल तो टूटेंगे ही। अगर हम फैंस के बस चले तो हम दोनों स्टोरी लाइन देखना पसंद करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये दोनों मूवीज कैंसिल ना हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में ये भी बताना कि आप MCU की आने वाली कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। तब तक के लिए जुड़े रहिए रणबीर ट्यूबर से।